everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. Start karte hain hamara next topic, that is on being discriminated against. To yahan pe bhi ye samjhenge ki wo log jinke sath discrimination hota hai wo kya feel karte hain, how they are feeling. But usko samajhne se pehle hum ye samajhte hain ki wo kaun se log hain jinke sath discrimination hota rehta hai. So first are women's. Women's के साथ हर जगह डिस्क्रिमिनेशन होता है. अब के टाइम में तो बहुत कम हो गया बिकॉज ऑफ द मूवमेंट जो कि हमारी सोसाइटी में चल रहा है. जैसे कि फेमिनिज्म एक बहुत बड़ा मूवमेंट है जिसमें हर किसी जो सेक्स है, हर किसी जेंडर के लिए लोग आवाज उठाते हैं, उनकी बराबरी के लिए आवाज उठाते हैं. सो ड्यू टू दिस मूवमेंट बहुत ज्यादा बदलाव आया है. सेकेंड है हमारे वो लोग जो कि डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं. कौन कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं? तो कास्ट सिस्टम है हमारे इंडिया के अंदर, हमारे हिंदू समाज के अंदर. अब ये जो कास्ट सिस्टम है वो हमने और आपने नहीं बल्कि वैदिक टाइम से ही ये बनाया है और इनको वैदिक काल में वर्ण के नाम से जाना जाता था. तो पहले इस वर्ण को समझते हैं और ये वर्ण क्या है वो समझते हैं. सो वर्ण क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल. ये उन लोगों का समुदाय होता है जो कोई एक सर्टन एक्टिविटी कर रहे होते हैं. बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करता गया जो लोग थे वो क्या करने लग गए, इन वर्णों को क्या करने कहने लग गए कि ये जनजात है. जिस भी फैमिली में आप जन्मे हो, जिस भी कम्युनिटी में आप जन्मे हो, आप अपने वर्ण को चेंज नहीं कर सकते. आपको बड़े होके उसी वर्ण के लिए काम करना है. तो इस वर्ण में चार लोग थे, चार लोगों को जगह दी गई. और वो कौन थे? पहले थे ब्राह्मण. तो ये जो ब्राह्मण थे ये इस वर्ण सिस्टम के सबसे हाईएस्ट रैंकिंग ग्रुप थी. और इनमें कौन आते थे? हिंदू प्रीस्ट आ जाते थे, एडवाइजर्स आ जाते थे और इंटेलेक्चुअल लीडर्स हो जाते थे जैसे कि एस्ट्रोनॉमर्स है, कोई साइंटिस्ट है. तो जो भी लोग ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे वो आपको पंडित दिख जाएंगे, टीचर्स कहलाएंगे वो, और तो और एस्ट्रोनॉमर या कोई साइंटिस्ट या फिर वैद्य आपको देखने को मिल जाएंगे. तो ये हो गए आपके ब्राह्मण वर्ण. नेक्स्ट वर्ण है हमारा क्षत्रिय वर्ण. ये सेकेंड हाईएस्ट रैंक है हमारे वर्ण सिस्टम में. और इन इस कम्युनिटी के लोग ज्यादातर रूलर्स बनते थे, यानी राजा हुआ करते थे, वॉरियर्स हुआ करते थे, लड़ाइयां करते थे. और ये जो कम्युनिटी थी वो सेकेंड रैंक पे थी. नेक्स्ट वॉज वैश्य. तो वैश्य वो लोग हुआ करते थे जो कि ज्यादातर ट्रेडिंग का काम करते थे. दे वर ट्रेडर्स, मर्चेंट्स हुआ करते थे और फार्मर्स भी थे. वही शूद्र जो कि सबसे लोएस्ट रैंक थी इस वर्ल्ड सिस्टम के अंदर, दे वर बेसिकली आर्टिशियंस हुआ करते थे, कलाकार, लेबरर्स या फिर सर्वेंट हुआ करते थे इन तीन वर्णों के. एंड द लास्ट वन, आप देखो क्या मैंने पहले भी बोला कि चार वर्ण थे, चार लोग इस वर्ल्ड सिस्टम में पार्ट थे, लेकिन यहाँ पे आपको चौथा इंसान भी देखने को, पांचवा इंसान भी देखने को मिल रहा है. एंड दैट इज दलित. ये जो दलित लोग थे ना, इनको तो इस वर्ल्ड सिस्टम में शामिल भी नहीं किया गया था. ये फिफ्थ कैटेगरी थी एंड दे वर नॉट डेजिग्नेशन, दे वर नॉट डेजिग्नेटेड एनी पोजिशन इन द कास्ट सिस्टम. उनका कोई पोजिशन नहीं था इस कास्ट सिस्टम के अंदर, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये लोग दूसरों की प्रॉपर्टी है. कई बार इन्हें एज अ स्लेव ट्रीट किया जाता था, कई बार इन्हें अनटचेबल बुलाया जाता था. तो इस टॉपिक के अंदर हम इन्हीं दलित की बात करेंगे कि ये दलित है कौन और इनके साथ क्या प्रैक्टिसेस हो रही थी. सो पीपल आर एंगेज इन डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क लाइक टीचिंग, कार्पेंट्री, पॉटरी, वीविंग, फिशिंग, फार्मिंग एक्सेट्रा टू अर्न अ लिवलीहुड. तो यहाँ पे देखेंगे हम कि बहुत सारे लोग होते हैं, हम हैं, आप हैं, और हम आपस पढ़ क्यों रहे हैं? बिकॉज वी हैव टू डू सम वर्क. किसी को इंजीनियर बनना है तो किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को हिस्टोरियन बनना है तो किसी को आर्कोलॉजिस्ट बनना है. बनना है किसी को आर्कोलॉजिस्ट? कमेंट करके बताओ. सो हम सभी इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमें अपनी लिवलीहुड को अर्न करना है, हमें अपना जो खान पान है, अपना जो रहन सहन है उसको मेंटेन करके रहना है. सो पहले के टाइम में भी यही होता था, लोग अलग अलग प्रोफेशंस को चूज किया करते थे और वो काम किया करते थे ताकि वो अपनी लिवलीहुड को अर्न कर सके. तो हुआ क्या कि ये जो ब्राह्मण समाज था जो कि पढ़ाई लिखाई का काम कर रहा था, जो कि पढ़े लिखे लोग थे, जो जानते थे कैसे लिखना है, they came up with an idea of वर्णा सिस्टम. वो वर्णा सिस्टम के आइडिया को लेकर सामने उन्होंने कहा कि आप अगर
कारपेंट्री कर रहे हो तो आप एक ग्रुप हो, अगर आप ब्लैकस्मिथ हो तो आप एक ग्रुप हो, अगर आप रूलर हो तो आप दूसरे ग्रुप में हो, ठीक है, अगर आप टीचर हो तो आप तीसरे ग्रुप में हो, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने पहले ग्रुपिंग कर दी। सेकेंडली उन्होंने क्या कहा कि ब्राह्मण की पोजिशन, क्योंकि हमने ये वर्ण सिस्टम को बनाया तो हमारी पोजिशन सबसे टॉप होगी, ठीक है, हम भगवान के पुजारी है, हम विद्या के पुजारी है तो हम टॉप पे रहेंगे, हो गया। सेकेंड उन्होंने कहा कि जो हमारी रक्षा करेगा यानी क्षत्रिय है, क्योंकि वो एनिमीज से हमें बचा रहा है, तो वो सेकेंड पोजीशन पे रहेगा। थर्ड उन्होंने ये कहा कि जो हमारे लिए ट्रेडिंग कर रहा है दूर दराज के इलाकों से रॉ मटेरियल लेके आ रहा है, वो कौन होगा, वो थर्ड नंबर पे रहेगा, एंड दैट इज वैश्य। और फोर्थ नंबर पे शूद्रों को जगह दी गई कि शूद्र जो लोग हमारे लिए उत्पादन करेंगे, रॉ मटेरियल से कोई चीज बना रहे हैं, फार्मर्स है, वो शूद्र कहलाएंगे। लेकिन उन्होंने उन लोगों को जगह नहीं दी जो कि इस वर्ण सिस्टम में सर्वेंट का काम कर रहे थे, जो कि लोगों के द्वारा जीत के लाए जा रहे थे युद्ध के अंदर, तो उनको दास के नाम से जाना जाता था, दलित के नाम से बाद में जाना जाने लग गया था, पहले उन्हें दास बोला जाता था, अछूत बोला जाता था। लेकिन अब हुआ क्या कि जो लोग ये क्लीनिंग वॉशिंग का काम कर रहे थे, कटिंग हेयर कटिंग का काम कर रहे थे, जो कि सबसे फोर्थ कैटेगरी थी, उनको क्या कहा गया कि तुम गंदा काम कर रहे हो, तुम गंदगी निकाल रहे हो, तो एक काम करो तुम हमसे दूर रहा करो। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस बढ़ने लग गई और उनको क्या कहा जाने लग गया, तुम फोर्थ ग्रुप हो और तुम हमें नहीं छूना क्योंकि तुम डर्टी हो और इम्प्योर हो। टाइम के साथ ऐसा किया गया कि उनको बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया गया, उनको सबसे नीचा दर्जा देना दिया जाने लग गया। सो पहले क्या था कि लोगों के काम के ऊपर ये चीजें, ये वर्ण सिस्टम रखा गया। धीरे धीरे जब लोग के फैमिली में बच्चे पैदा होते थे तो उनको उसी वर्ण सिस्टम का पार्ट माना जाता था जिसपे वो पैदा लिए हैं, और जब वो चेंज करना चाहते थे तो वो चेंज कर सकते थे। बट आफ्टर वैदिक पीरियड क्या हुआ, ऐसा खत्म हो गया सिस्टम। ब्राह्मण ने कहा जो जिस फैमिली में पैदा हुआ वही काम करेगा। सो ये था हमारा कास्ट सिस्टम का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। इस कास्ट सिस्टम से बहुत सारे नोशन जुड़े हुए हैं कि ब्रह्मा जो है हमारे सृष्टि की रचयिता, उनके मस्तक से, उनके जांघा से, उनके पैरों से लोग निकल के आए, उनको उस कास्ट से बताया गया, उस कास्ट का बताया गया, बट उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो था हमारा कास्ट सिस्टम का एक ब्रीफ हिस्ट्री हो गई, ब्रीफ एस्पेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। In caste system, communities slash group of people were placed in sort of ladder where each caste was either above or below the other. So, एक तरीके से इस caste system के अंदर एक ladder बना दी गई, एक सीढ़ी बना दी गई, जिसके अंदर कोई भी group किसी दूसरे group के समान नहीं हो सकता, वो उससे नीचे होगा या उसके ऊपर होगा। Those placed themselves at the top of this ladder call themselves upper caste and saw themselves as a सुपीरियर। अब जो भी लोग इस लेटर पे सबसे ऊपर में थे, टॉप पे थे, यानी कि ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय, उनको ऐसा लगता था कि वो सुपीरियर है और वो अपर कास्ट है, तो वो खुद को अपर कास्ट बुलाने लग गए और खुद को सुपीरियर समझने लग गए। द ग्रुप हु प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लेटर वाज सीन एज अनवर्थी एंड कॉल्ड अनटचेबल्स। अब जो लोग इस लेटर के अंदर सबसे नीचे थे, जैसे कि हमारे शूद्र और दलित जिसको हम आज के टाइम में जानते हैं, उनको ये लोग लोअर कास्ट के नाम से जानने लग गए और कई बार उन्हें अछूत बुलाने लग गए कि इनको छूना नहीं है। सो दिस इज योर कास्ट सिस्टम, जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे कास्ट सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टोरी, जिसके अंदर उन्होंने डिस्क्राइब किया कि कैसे वो एक महार कास्ट के होते हुए, एक अनटचेबल होते हुए अच्छी शिक्षा प्राप्त करी, और वो देखने में कहीं से भी अनटचेबल नहीं दिखते थे, पुअर नहीं थे, एंड स्टिल उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस हुई एक छोटी उम्र में, वो कितना बड़ा इम्पैक्ट उनके ऊपर देखे गए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस, बाय।